हरियाणा से हैं योगराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी बताइए सर। बच्चों का गंजा पर है, ये बाल का है जी। सर दोबारा से बोलिए, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। एयर के लिए, एयर के लिए बाल के, एयर में पैर में गंजापन नहीं आ जाता जी। गंजापन आ रहा है? कितनी आयु है आपकी? 45 आयु जी। हाँ, अपना खूब ख्याल रखिए, मल्टी विटामिन्स वगैरह के इस्तेमाल किया करिए। दो तीन खजूर सुबह, दो तीन खजूर शाम को खाया करिए। और एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना, असली सफ़ेद वाला होता है। हम दुकानदारों के पास जाते हैं तो वो लाल सा या पीला सा कुछ दे देते हैं, लेकिन ये सफ़ेद भी ऐसा होता है, ऑफ वाइट, जैसे बर्फ़ी होती है ना मिठाइयों में, ऐसा होता है। ये 1 ग्राम रोज़ाना लीजिए और पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या सबसे अच्छा नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार पी लिया करिए 1 ग्राम, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। आगरा से है रूबी, स्वागत है आपका। बताइए मैम। जी मुझे ना पेट में सूजन है। पेट में सूजन है जी। रूबी कितनी उम्र है आपकी? मैम टीवी मत सुनिए, अपनी उम्र बता दीजिए। जी मेरी 25। 25 साल। अच्छा देखिए, सौंफ, धनिया, सौंफ, धनिया और आंवला, ये तीन चीज़ें लेकर 100-100 ग्राम पाउडर बना लीजिए और इसका 1 चम्मच खाइए। इसमें एक आता है नमक जैतून, ये नमक बिल्कुल देखने में नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमक जैसा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, ये ऐसा खारा सा होता है या हल्का सा कड़वापन, ये इसकी पहचान है। ये नकली बहुत मिलता है, असली लीजिए। 100 ग्राम लीजिए नमक जैतून, अलग रखिए इसे। 1 चम्मच ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई, धनिया, आंवला और सौंफ, इसका पाउडर 1 चम्मच और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए इसमें मिलाकर दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं एमपी से, सुनील शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, अपना प्रश्न कर लीजिए। जी मैडम, मेरे पापा को सांस की समस्या है। सांस की दिक्कत है जी। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 68-69 साल करीब जी। अच्छा बेटा, ये बताइए कि देखिए, सांस की समस्या 2 वजह से होती है। एक तो उन लोगों को होती है जिनको खांसी, बलगम, छींके, कफ आता है, ये परेशानी है उनको, या ये सब होता है? होता होता है। ठीक है ठीक है। एक अच्छा सा नुस्खा है, अगर आप लिख लें पिताजी के लिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100-100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम इसमें पीपलें मिलानी हैं। पीपलें को हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, ये गर्म मसालों में पाई जाती हैं। 30 ग्राम पीपलें और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, इनको पाउडर बना लीजिए और पिताजी को सवेरे निहार वो यानी खाली पेट 1 चम्मच ये खिलाइए और गर्म पानी पिला दीजिए। खट्टी चीज़ों से रोक दें उन्हें, जब तक इलाज चलेगा 3-4 महीने भी लग सकते हैं, उनको फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हिमाचल से, राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। हकीम साहब सलाम। आदाब साहब, आप भी हमारे साथ खूब जुड़े रहते हैं, कर्नल साहब की तरह, हमारी बहन की तरह। उनका पहला कॉल उन्होंने कही था, कर्नल वर्मा जी। सर मेरा तो सवाल 2 है सर, बस छोटे सवाल है दोनों। एक सवाल मेरा ऐसा रिगार्डिंग जो आप बताते ना पेट के लिए,
सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी, किसी किसी टाइम में आप मेथी नहीं बताते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेथी के बिना भी ये उतने ही मतलब बेनिफिटेड है या मेथी डालनी पड़ेगी इसमें? हाँ, दूसरा सवाल भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा सर रिगार्डिंग गोंद मरंगा, ये थोड़ा जो मंगवाया ना सर मैंने आपकी कंपनी से, अभी थोड़ी नमी है इसमें, मतलब इसका अगर पाउडर वगैरह बनाना हो तो कैसे बनाए सर? ठीक है ठीक है। हाँ, कुछ मॉइस्चराइजर हो गया होगा तो उसे धूप में रख दीजिए आप। आजकल तो धूप बड़ी तेज निकल रही है, एक ही दिन में या दो दिन में ऐसा कड़क हो जाएगा, फिर उसे फोड़ लें थोड़ा थोड़ा और फिर उसका पाउडर बना लें। और ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, बहुत लोग सोचते होंगे, करते नहीं सवाल ये, कि मैं किसी में मेथी भी ज़रूर मिलवाता हूँ, किसी में नहीं मिलवाता, किसी में ज़ीरा मिलवा देता हूँ, किसी में नहीं कहता। तो जैसा सवाल आपकी तरफ से आता है मैं उसके हिसाब से नुस्खा बदलता हूँ। और जैसे किसी को चर्बी भी बहुत है, मोटा भी बहुत है कोई, या हाजमा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं कहता हूँ ज़ीरा मिला लो। अच्छा, ज़ीरे का काम हाजमा करना है, और ज़ीरे का छौंका लगते ही आदमी ज़्यादा खाने लगता है खाना। अगर ज़ीरे से छौंका लगा दो तो आदमी एक दो रोटी ज़्यादा खाता है, ज़ीरा अगर खाने में डाल दो तब भी उसका हाजमा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, ये हैं तो सब आपके किचन की चीज़ें, आप इन्हें जिस शक्ल में जानते हैं, मैं उन्हें उस शक्ल में तो जानता ही हूँ, लेकिन मैं इनके असरात की शक्ल में जो इनका फ़ायदा है मुझे वो नज़र आता है। जब आप सवाल करते हो कि मुझे ये परेशानी है, तो मुझे इनको इनके फ़ायदे मेरे सामने चलते हैं, ऐसे मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ है मेरा तजर्बा मेरे यहाँ दिमाग में है। तो जैसे ही मेरे पास सवाल आता है उसी मिनट के अंदर मुझे जवाब देना होता है, और वो पूरा सवाल के बदले में मेरा दिमाग जवाब देता है, इतनी चीज़ ये मिलाओ, इतनी चीज़ ये मिलाओ। हालांकि इनके बग़ैर भी नुस्खा बनाया जा सकता है, और बहुत बड़े नुस्खे मैं बताना नहीं चाहता। जितनी भी दुनिया की किताबें हैं, चाहे वो बड़े हकीम हों या बड़े डॉक्टर हों या वैद्य हों, उन्होंने इतना लंबा लंबा नुस्खा लिखा है कि 25-25, 30-30 दवाएँ पूरे पेज पे लिखी हुई हैं, और वो इतनी महंगी हैं, इतनी महंगी हैं कि वो लिखते हैं मुश्क डालो, ज़ाफ़रान डालो और ये अंबर डालो। ये ज़ाफ़रान कितनी महंगी है, मैंने आज तक नहीं बताई ज़ाफ़रान किसी को। ये मुश्क जो है वो 20 लाख रुपए किलो भी असली नहीं मिलेगी, मैंने आज तक नहीं बताई। अंबर ये मैंने आज तक नहीं बताया, ये भी कम से कम 20 लाख रुपए किलो आता है। तो वो नुस्खे कौन बनाएगा जो लाखों रुपए के? हिंदुस्तान में तो गरीब ही है, और ये हकीम लोग तो अमीरों के थे। मैं तो गरीबों को मशवरा देने के लिए उपस्थित होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर आपके किचन से सारे नुस्खे बन जाएं। और जैसा सवाल आता है मैं नुस्खा चेंज कर देता हूँ, आप भी डाल सकते हैं उसमें, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। और अच्छा नुस्खा बनाने के लिए मज़ीद दवाएँ डालते हैं, लेकिन मेरा देखिए ये रहता है कि एक दो दवा, तीन दवाओं से अपने किचन से ही ले और आदमी बनाए और सेहतमंद हो जाए। अगर वो अच्छा आदमी है तो वो दूसरों की भी सेवा करे और मुझे भी दुआ दे। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, आप बना लिया करिए। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया था। अगले कॉलर हैं हरियाणा से, राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैं दौरे के अनुभव आई जी, और ये मेरे दवाई खा रही। कौन सी दवाई? गौंसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाँ जी, खराड़ी कर रही है, पैर में दर्द है और दर्द दिन पर तो ना आया दोबारा से, उसमें तुझे दिक्कत की है। अच्छा, दर्द कम हो गया था, फिर से शुरू हो गया दर्द। अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं आप? ये तो ये दिन 15-20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, फिर फिक्र ना करें, कम हुआ था तो फिर कम हो जाना चाहिए। उनके लिए हिदायत याद रखें कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट जो शौचालय है वो वेस्टर्न होना चाहिए, कुर्सी वाला, और मेहनत ना करने दें जब तक ये दवा खा रहे हैं। इन्हें कुछ मेहनत मत करने दें, ना पोंछा लगाने दें, ना झाड़ू देने दें। किचन का काम खड़े होकर कर सकते हैं, कितना भी मेहनत बिल्कुल ना करें, वज़न ना उठाएं,
कुछ इन्होंने गलती कर दी होगी तो उससे फिर से हो रहा है। बहुत दर्द हो तो दर्द की दवा खा लें, लेकिन ये नुस्खा ना छोड़ें जब तक ख़त्म ना हो, उनको पूरा फायदा होना मुमकिन है। जफरनगर से हैं अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। हकीम जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशोक और खैरियत से हो? सब बढ़िया है, आप बताएं भाई। भाई मेरे चार सवाल है, मेहरबानी करके बता दीजिएगा जरा। फरमाइए जी। एक तो आपने मेरी वाइफ को गठिया है, तो आपने अलसी और काला गोंद मंगाया था, वो बताया था। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज मंगा ली, काला गोंद तो शुरू कर दिया और अलसी भी शुरू करी थी, अलसी से कब्ज हो जाता है। अच्छा, अलसी कम ले ले, थोड़ी कम ले ले बस, और या कोई हो या कुछ और मिलावे उसमें? हाँ, अलसी में आप धनिया और सॉल्ट मिला सकते हैं बराबर की, इससे कब्ज फिर नहीं होगा। आप इस अच्छा। तरह दें। कितने दिन हो गए खाते हुए? मुझे वो 10 दिन हो गए, वैसे आराम है काले गोंद से। हाँ नहीं, बहुत अच्छा नुस्खा है, कोई भी दवा लेनी पड़े आप लीजिए, कब्ज मत होने दीजिए, चाहे एलोपैथिक लीजिए। आप पर काम करना शुरू कर दिया है, इसको छोड़ना नहीं, पेट ठीक है। नहीं, काले गोंद से ही आराम होना शुरू हो गया, लेकिन अलसी बंद कर दी मैंने इसलिए कि कब्ज हो जाता है। ठीक है ठीक है, आपको कब्ज की दवा भी लेनी पड़े अपने डॉक्टर से तो ले सकते हैं। और कौन सा सवाल है? ये है कि मेरी वाइफ को गर्मियों में छींक आती है बहुत सारी। ठीक है, छींक आती है बहुत ज्यादा, और डॉक्टरों को दिखलाया, उन्होंने कहा कि धूल से, खुशबू से, और ये जो हवा चलती है जब गेहूं कटते हैं तो उनकी वजह से छींक आती है, एलर्जी बताई मुझे एलर्जी। ठीक है, तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि मैं 73 साल का हूँ, 50 साल से मुझे तो एक परेशानी है। बताइए। पेट में भूख लगी रहती है हर वक्त। अच्छा, और कब्ज रहता है। ठीक है ठीक है। और सिर में भारीपन रहता है। ठीक है, चौथा सवाल बताइए। हैं जी, चौथा सवाल बताइए। चौथा सवाल यह है कि मेरी उम्र 72 साल है, मुझे कोई और बीमारी नहीं है, खुदा के लिए कोई ऐसी दवाई बता दीजिएगा जो इंतकाल मेरा बगैर बीमारी के हो। खुश रहिए हमेशा, भगवान आपकी सुरक्षा करे, आपकी पत्नी को भी अच्छा करना शुरू कर दिया। एक तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे निवेदन है कि जिनको भी भगवान फायदा दे वो हमारे साथ जुड़े रहें, और जिस दवा से आपको फ़ायदा हो उसका अपने सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में प्रचार करना है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी पत्नी अच्छी होने वाली है पूरी तरह, मेरी दुआ भी है और आपके पास दवा भी है, गौंसिया से उनको फ़ायदा शुरू हो गया। आपके लिए एक नुस्खा है, देखिए, धनिया 200 ग्राम धनिया 200 ग्राम मेथी 100 ग्राम इसका पाउडर बना के रख लें, और एक आता है नमक जैतून, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है मुजफ्फरनगर वालों, बहुत लोग नकली देते हैं, आप समझ भी गए होंगे कितना नकली देते हैं, तो नमक जैतून असली लेना, और ये उसकी तो पहचान है ही आपको, मेथी और धनिया की, मेथी 100 ग्राम धनिया 200 ग्राम और 100 ग्राम नमक जैतून लेके अलग से रखें, ये पाउडर एक चम्मच लें और एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून इसे मिला के रोज़ एक बार खाएं, ज़रूरत पड़े दो बार भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक ही बार काफ़ी है। बस आप ये खाते रहिए, ये नुस्खा ख़त्म कर लीजिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है, और अगर पेट हमने ठीक कर लिया अपना तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं, पेट ही तो माँ है बीमारियों की, इसे अच्छा कर लीजिए। और ये नुस्खा अपने पत्नी को भी दे सकते हैं आप, जो कब्ज हो रहा है ना, तो उन्हें भी एक खुराक दिन में दे देंगे तो उनका ये पेट का रोग भी ठीक होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? छींकें बहुत आती हैं धर्मपत्नी। हाँ, छींकों का 5-6 महीने आपको दवा अगर कर सकते हैं,
तो इसके लिए प्रोडक्ट भी होते हैं यूनानी में, बनी बनाई दवाएं भी होती है। एक नुस्खा जो बहुत प्रचलित है मैं सबको बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम खरीद कर लें, और किचन में हमारे पीपलें होती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं पीपलें, ये आप 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच छोटा चाय का चम्मच भर के सुबह ही खिला दिया करें, नाश्ते से भी पहले खाली पेट निहार मुँह, और एक चम्मच रात को, और गर्म पानी से देना है, ऐसे आदमी को दूध नुकसान करता है, और 5-6 महीने देना है, उनके अंदर इम्यूनिटी भी पैदा हो जाएगी तो वो अच्छी हो सकती है।